साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली के चांदनी चौक से, जहां पर रातों रात मंदिर बन गया हनुमान मंदिर पर। अब सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई है। खुद को दूसरों से ज्यादा हनुमान भक्त बताने की होड़ लग गई है। कल बीजेपी के नेता पहुंचे थे, भजन कीर्तन किया था, आज बारी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी पहुंच गए हैं उसी जगह पर जहां पर अदालती आदेश के बाद मंदिर गिराया गया था। पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर ही मूर्ति विराजमान की गई है और वहीं पर अब लगातार सियासी पार्टियों का आना जाना जारी है। भजन कीर्तन आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हो रहा है। दुर्गेश पाठक वहां पहुंचे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आम आदमी पार्टी की तरफ से चांदनी चौक में हनुमान मंदिर, वहीं पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता। इस बीच सीधा चलेंगे मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी क्या चल रहा है वहां पर? क्योंकि कुछ देर पहले जब आप लोगों से बात कर रहे थे, पुजारी जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यहाँ पर सब सियासी पार्टियों के नेता आ सकते हैं। तो सियासत हो रही है या पूजा पाठ हो रहा है वहां पर अब? बिल्कुल, आम लोगों के लिए हनुमान मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब यहाँ पर लोग आकर पाठ कर रहे हैं और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर सियासी लोग पहुंच रहे हैं, पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि सामने जो आप सफेद टेंट देख रहे हैं और ये जो स्टील का मंदिर देख रहे हैं, इनके बीच में महज 15 से 20 फीट की दूरी है। ये पुराना मंदिर है और जहाँ पर इस वक्त कीर्तन हो रहा है ये नया मंदिर है। तो यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया और फिलहाल जो इलाके के भाजपा के नेता हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो अलग तौर पर नजर आ रही है, सियासी तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो ढोल नगाड़ों का यहाँ पर आगमन हो चुका है। यहाँ पर झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं जिसमें श्री राम की तस्वीर बनी हुई है। तो यहाँ पर सियासी दलों ने एक नया रूप देने की भरपूर कोशिश की है इस पूरे मुद्दे को। तो कहीं ना कहीं देखना ये भी होगा कि क्या कोई नया आरोप सामने आता है, क्या यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ देर में बदलेगी, क्योंकि ऐसी जानकारी दी गई है भाजपा नेताओं की तरफ से कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो मंदिर की जो समिति है वो फिलहाल इस पूरे फैसले से खुश है, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट क्या कहेगा, इसे लेकर आने वाले दिनों में क्या कानूनी दाव पेच रहेंगे, ये अभी भी सवाल बरकरार है। पंकज, आपके साथ बहुत आम लोग भी, भक्त भी मौजूद है, जरा उनसे पूछे वो क्या समझते हैं इसको। बिल्कुल, हम लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि मंदिर रातों रात अचानक बन गया, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी है, रातों रात मंदिर बन गया। चांदनी चौक में हनुमान भक्तों की जीत हुई है, राम भक्तों की जीत हुई है, हिंदू समाज की जीत हुई है। जिस तरीके से कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचकर हनुमान मंदिर को विध्वंस कर दिया था और आज परसों की रात जैसे हमें कल ही सुबह प्रातःकाल हमें सूचना मिली और ये पता लगा कि भाई हनुमान मंदिर बन गया और पुजारी जी को हमने सूचित किया, तो ये खुशी की लहर पूरे चांदनी चौक में एक बार फिर से गूंज चुकी है और हनुमान में हो चुका है आज चांदनी चौक पूरा। कितने दिन बाद दर्शन करने आए आप यहाँ पर? भाई साहब, हम तो मैक्सिमम बस परसों के इतनी खुशी है कि कुछ कहने की हद नहीं। जिसे कहते ना कि बस ये देख लो शॉपिंग बाद में पहले मंदिर के, वो है इतनी खुशी है कि यहाँ पे बस पूछो मत। और ये बहुत गलत काम हुआ था, लेकिन इसका हमें बहुत, अब ये की समस्या का समाधान हो चुका है। अब आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कितने दिनों के बाद आपको यहाँ पर पाठ करने का मौका मिला? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब से कोविड हुआ है, कोविड-19 के बाद मैं एक साल समथिंग बाद मैं राउंड मार रहा हूँ, मैं बाबा जी का दर्शन करने आया वहाँ पे। चले बड़ी संख्या में, पंकज में लौटती हूँ आपके पास, दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच हनुमान भक्ति पर एक जबरदस्त प्रतियोगिता भी चल रही है और दोनों खुद को बड़ा भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। के अलावा कोर्ट ने कहा था कि ट्रैफिक वाली जो जगह होंगी जहां आवाजाही होती है
वहां पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और इसका हवाला देते हुए फिर निगम को आदेश दिए थे, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में क्या कहेगी सरकार या पार्टी, क्योंकि पूछा तो जाएगा ही कि मंदिर आखिर कैसे बन गया। देखिए, हम तो भक्त हैं, श्रद्धा हमारी है, हम कोर्ट से भी कहेंगे कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकाले, कोई ना कोई बीच बचाव का रास्ता निकाले, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था का विषय है और इसमें भी आस्था लोगों की रहे, यही प्रार्थना करें। दिल्ली सरकार हनुमान जी के मंदिर को या मंदिर को तोड़ने में जितनी जल्दी दिखाती है, क्या उसके शिफ्टिंग में या उसकी कुछ योजना बना करके सबकी भावनाएं भी रहें, सुंदरीकरण भी हो जाए, इसमें रुचि नहीं दिखा सकती है? ये चिंताजनक है। और अब बात करते हैं आपकी जेब की। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, कितना असर आपकी जेब पर पड़ा है, आइए देखते हैं खबर। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट अगर करेगी तो कहाँ जनता जिएगी? पेट्रोल पे रेट बढ़ते ही राशन पे रेट बढ़ जाते हैं। सोच रहे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जाए करके, जो भी काफी बेहतर है। इतना काम नहीं है, इतना पेट्रोल हो गया, बहुत ज्यादा महंगा, लोगों को बहुत परेशानी, इतना महंगा कि लोग कह रहे सस्ता करेंगे, कोई सस्ता नहीं हो रहा पेट्रोल का। अरे 50 रुपए में दुकान जाते, 100 रुपए में जा रहे हैं दुकान, क्या करेगा आदमी। आमदनी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सवारी पैसे देती नहीं है, चलना पड़ता है, हमारे कमाई का बिल्कुल साधन खत्म होता जा रहा है। सर, तेल का रेट कम करवाइए कि हम लोग भी मतलब खमा कमाए खाए, इतना रेट हाई हो गया है कि हम लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 12वां दिन है, लगातार बढ़ती कीमतों पर जरा एक नजर भी डाल लीजिए, क्योंकि दिल्ली में 90 रुपए 58 पैसे पेट्रोल 1 लीटर और डीजल की कीमत 80 रुपए 97 पैसे, ये दिल्ली का रेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार 12वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी तरीके से अलग अलग इलाकों की खबर भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से लगातार 12वें दिन जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसका असर आपकी पॉकेट पर, आपकी जेब पर कितना पड़ा है और इसका असर बाकी दूसरी चीजों पर कितना पड़ेगा, ये भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि भाव किस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल के बढ़ते भाव से लगातार पहले मुंबई की भी तस्वीरें देख लेते हैं। वहां पर देखिए किस तरीके से मुंबई में रेट इस वक्त ज्यादा हो गया है, 97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको पेट्रोल मिल रहा है, 88 रुपए 6 पैसे ये डीजल का दाम है, ये आज का दाम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इससे सीधा सीधा असर आपकी जेब पर, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है अलग अलग इलाकों में। चेन्नई में देखिए 92 रुपए 59 पैसे 1 लीटर पेट्रोल और 85 रुपए 98 पैसे डीजल 1 लीटर का, यानी करीब करीब अगर देखा जाए तो 90 के पार पेट्रोल की कीमत और 80 के पार हो चुकी है डीजल की कीमत। और कुछ और शहरों की बात कर लेते हैं, जिसमें कोलकाता की बात भी हम करेंगे, 91 रुपए 78 पैसे ये प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है, डीजल 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। भोपाल में भी देख लीजिए किस भाव में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, जिसमें 98 रुपए 60 पैसे और 89 रुपए 23 पैसे के हिसाब से पहले पेट्रोल और फिर डीजल की कीमत लगातार आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में कितने में आपको मिलेगा पेट्रोल और डीजल वो भी देख लीजिए, 97 रुपए 10 पैसे में जयपुर में पेट्रोल की कीमत है प्रति लीटर के हिसाब से, 89 रुपए 44 पैसे डीजल प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरीके से लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के भाव क्या है वो भी देख लीजिए, 88 रुपए 86 पैसे लखनऊ में पेट्रोल के दाम, 81 रुपए 35 पैसे 1 लीटर डीजल का दाम है। सियासत फुल है इसको लेकर, क्या कुछ बयानबाजी हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। और दोनों हाथों से देश की जनता की जेब लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है, एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की भरमार है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार और डीजल 90 पार हो गया है। इसीलिए हम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। पहले सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती थीं, फिर WTO के बाद धीरे धीरे उस पर सरकार का नियंत्रण कम होना शुरू हो गया। और मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा डेट है जिसके बाद सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया, वो डेट है अक्टूबर 2014।
तो अक्टूबर 2014 के बाद भारत सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी पेट्रोल डीजल की कीमत में आंशिक हस्तक्षेप भी कर सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, सियासत फुल है, जाहिर सी बात है ऑपोजिशन इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी, सरकार भी अपना बचाव करेगी, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है जरा वो सुनिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो फरवरी के महीने में 10 बार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप देखिए पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 62 पैसे जबकि डीजल की कीमत 81 रुपए पार कर गई है, रोज बढ़ोतरी हो रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये चीज जो ये तो गलत है। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट अगर करेगी तो कहाँ जनता जिएगी? पेट्रोल पे रेट बढ़ते ही राशन पे रेट बढ़ जाते हैं, सब्जियों पे रेट बढ़ जाएंगे, तो किस तरीके से जो गरीब आदमी हो कैसे रहेगा? तो आप देख सकते हैं पेट्रोल और जो डीजल है उसकी कीमत जब बढ़ती है तो इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है और महंगाई बढ़ती है। जाहिर तौर पर लोग इस चीज को लेकर के जो डीजल और पेट्रोल के दाम हैं उनके बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो ये दिल्ली की जनता की आपको राय दिखा रहे हैं। वैसे अगर इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल बढ़ते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब खासतौर पर मुंबई में शतक पार यानी कि 100 रुपए पार हो जाएगा तेल का दाम। और इसी तरीके से मुंबई की जनता क्या कह रही है, क्योंकि अभी वहां पर 97 रुपए तक प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। क्या कह रही है मुंबई की जनता, सुनिए जरा। पेट्रोल और डीजल के दर देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों को तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूल स्टेशन पे चलाते हैं उनको भी कई तरह के नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर हैं जहां पर आप देखेंगे कि पावर पेट्रोल जो है उसका भाव जो है 100 के ऊपर जा चुका है। ये पूरा जो डैशबोर्ड है इसमें 5 से ज्यादा अक्षर फिट नहीं हो सकते, इसलिए 100 भी लिखना मुश्किल है। अगर 100 यहां पर लिखा जाता है उसके बाद जो ऐसे पैसे के लिए पॉइंट डालकर डेसिबल पॉइंट के बाद जो अक्षर लिखने होते हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें जो शायद हाल फिलहाल में किसी ने सोची नहीं होगी वो सामने आ रही है, वो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि 5 डिजिट्स में अब जल्द ही पेट्रोल डीजल के भाव लिखे जाएंगे, क्योंकि लगातार 10-12 दिन से पेट्रोल डीजल के भाव देश में हर शहर में बढ़ रहे हैं और ये पेट्रोल जो नॉर्मल पेट्रोल उसका भाव भी जल्द ही 100 क्रॉस कर लेगा ऐसा लगता है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो ये मुंबई का हाल है, लेकिन लखनऊ की स्थिति भी अमूमन एक जैसी है। वहां की जनता क्या कह रही है जरा उनकी राय भी ले लेते हैं। पेट्रोल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज के अगर हम दाम की बात करें तो जो पेट्रोल है वो प्रीमियम पेट्रोल 91.38 रुपए तक पहुंच गया है, यानी कि 90 के पार हो चुका है प्रीमियम। और अगर बात करें सादे पेट्रोल की भी तो वो भी इस वक्त जो है लगभग 90 के पास पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अगर डीजल की बात करें तो डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ती हुई हैं और वो आज के अगर भाव की बात करें तो वो 81 रुपए 35 पैसे तक पहुंच गया है। लगातार 12वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें 39 पैसे का आज इजाफा है। और यही कारण है कि लोगों की चिंता का विषय है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ में यहाँ पर कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के का इजाफा जारी रहेगा। बात करते हैं भाई साहब, क्या कहेंगे पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। नहीं हो रही है क्यों? जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं आपको लगता है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, जो आदमी 10-20 का डलाता है उसको क्या दिक्कत होगी। बिल्कुल, और भी लोग उनसे बात करेंगे किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है। भाई साहब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आपको लग रहा है इससे समस्या आ रही है? समस्या बहुत है जी, समस्या बहुत है। अब सर क्या करा जाए, अब ये मजबूरी है तो खाना पड़ेगा। किस तरीके से डलवा रहे हैं, क्या कम मात्रा में डलवा रहे हैं या इकट्ठा डलवा? कम डलवा रहे हैं, कम डलवा रहे हैं, कम मात्रा में। उम्मीद लग रही कि कम होगा? देखो लग रही उम्मीद नहीं, मुश्किल है। नहीं बिल्कुल, बड़ी खबर, कल किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे। किसान बिल और किसानों की बाकी समस्याओं को लेकर बातचीत होगी दिल्ली विधानसभा में। कल दोपहर में ये बैठक होनी है, कल अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे किसान नेताओं से। अभी तक अगर देखा जाए तो दिल्ली की तमाम तीनों सीमाओं पर, टीकरी, सिंघू और गाजीपुर, तीनों बॉर्डर्स पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई नेता वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि हर बार उन्होंने यही कहा कि
सिर्फ जरूरी सुविधाएं उनको मिले इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो वहां पर गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली बार अब किसानों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए हमारी खास पेशकश जहरीली साजिश, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।